Sir, according to the Constitution, it is incumbent upon His Excellency President of India to inform the causes of the summons to the Parliament. And in pursuance of that constitutional provision, His Excellency President of India, Her Excellency President of India, had addressed the joint session of Parliament, and that is why today motion of thanks on presidential address is being taking place over here. Sir, as we know that the presidential address is drafted by the government, so it is not the president but government is responsible for the contents of the address. With all reverence at my command, I must pay my respect to the President of India, but I beg to differ with the tone and tenor inside in the presidential address. Sir, this is the 15th President of India, and India is witness to 3 more acting President. कभी President की जब अभिभाषण होते हैं सदन में, तो कभी हमें उनकी जात या पात या धर्म के बारे में कभी सुना नहीं, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि सारे हिंदुस्तान में ये ढिंढोरा पीटा जा रहे हैं कि बीजेपी पार्टी ने एक आदिवासी को प्रेसिडेंट बना दिया, इसको एक चुनावी मुद्दा बना दिया, एक चुनावी मुद्दा बना दिया। मेरा कहने का मतलब थोड़ा सोचिए, ये क्या चुनावी, ये क्या सियासी फसल उगाने के लिए? नहीं 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 सर, मुझे ताज्जुब लगता है कि हमारे देश में 15 ऐसे प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो कभी उनकी जात पात धर्म के बारे में कभी जिक्र नहीं करते, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम आदिवासी को बना दिया, जैसे लगता है कि आप दान कर दिया किसी को, आप लगता है कि आप दानी है हिंदुस्तान में। अगर किसी का 35 साल उम्र होते हैं और वो लोकसभा में चुनाव लड़ने की काबिल होते हैं, तो उनको प्रेसिडेंट होने की सारे आप लोग करते हैं। तो 35 साल और लोकसभा में चुनाव लड़ने की काबिलियत, इस पे वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं सर। इसीलिए नहीं, कभी मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ओबीसी दादा नहीं कहते, हम तो कहते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ऐसे कहिए ना, हम तो कभी हिंदुस्तान में शेड्यूल कास्ट प्रधानमंत्री बने, तो हम तो कभी हिंदुस्तान में मुसलमान प्रेसिडेंट बने, तो हम तो कभी जिक्र नहीं करते। लेकिन ये क्या होता है, आदिवासी, ये दया नहीं, ये हमारे महामहिम की काबिलियत पर आप शक जता रहे हैं। उनकी काबिलियत पर भरोसा करो, दान करने की कोई जरूरत नहीं है। यह होगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सही मायनों में मर्यादा को पालन करना, यही मेरा 350। हाँ बोलिए सर, ये 350।